तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं पिक्चर लुकअप के ऊपर। पिक्चर लुकअप काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्सेल के अंदर में पिक्चर लुकअप का यूज काफी ज्यादा हो सकता है कि बहुत सारे लोग वीवीए मेथड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते या वीवीए मेथड इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे पिक्चर्स को लुकअप किया जाए। क्या लुकअप है हम आपको चलिए एक छोटे से एग्जांपल में समझाते हैं। हम एक छोटा सा डेटा यहाँ बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मंथली रिपोर्ट बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना सेल्स दे देता हूँ। कॉपी और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करता हूँ और इस पे हम कुछ पिक्चर्स वगैरह देते हैं, तो ये कलर देते हैं और इसको हम एक इस पे हम चार्ट भी लगा देते हैं। एक छोटा सा मान लीजिए अपने रिपोर्ट बना दिया। रिपोर्ट हमारे यहाँ बन चुका है, ये हमारा मंथली रिपोर्ट बन चुका है और हमने डिजाइन वगैरह यहाँ से ले लेता हूँ। एक बेसिक कंसेप्ट पर आके मैंने एक अपना मंथली रिपोर्ट बना लिया है। और दूसरे में मैं यहाँ पे सेल्स ऑफिसर वाइज एक रिपोर्ट हमारा बन रहा है। किया इंसर्ट और इसकी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। तो दो रिपोर्ट आपके सामने मेरा, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक समरी शीट है हमारे पास, एक समरी शीट है जहां पे हम रिपोर्ट का टाइप सिलेक्ट करते हैं। यहां पे कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पे आते हैं हम डेटा मेनू बार में और डेटा वैलिडेशन पे एक लिस्ट बना लेते हैं वैलिडेशन की मदद से। और यहाँ पे हम लिस्ट दे दिए और यहाँ पे हम करते हैं सिलेक्ट यहाँ पे मंथ कॉमा एसओ सेल्स ऑफिसर। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अपने डैशबोर्ड या समरी जो भी हमारी शीट है उस सीट पे मैं दोनों रिपोर्ट एट ए टाइम नहीं दिखाना चाहता। हम इसमें से कोई एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे ठीक है।
कैसे करें, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसको कॉपी करके ले जाते हैं तो अब इसमें क्या है कि हम इसको डेटा वीलुकअप वगैरह तो है नहीं, जो वीलुकअप लगा के लुकअप कर रहे यहाँ पे पिक्चर्स, तो हमें पिक्चर्स की लुकअप करना है, ठीक है, हमें पिक्चर्स की लुकअप करना है, तो कैसे करें, इसके लिए आता है हमारा मेथड पिक्चर लुकअप का। हम क्या करते हैं कि इसको यहां से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और जैसे कि मैंने पेस्ट स्पेशल में बताया था पिक्चर लुकअप, सॉरी पेस्ट से पिक्चर लिंक, माफ कीजिएगा, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। तो पेस्ट से पिक्चर लिंक करने से क्या होता है कि यहां पे आ जाता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर हम कैलकुलेट में 17 को 71 कर दें तो डेटा और चार्ट दोनों हमारा इस समरी शीट पे चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं यहां पे मान लीजिए कि मंथ नहीं, मैं सेल्स ऑफिस सेलेक्ट करूं तो कैसे होगा, क्योंकि यहां पाथ ही बहुत बड़ा है। सबसे पहले पाथ को छोटा करते हैं, हम क्या करते हैं इसको एक नेम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि हम एडिशन सिस्टम में बताया था आपको हर एक सेल का रेंज होता है, इस रेंज है वो रेंज है A1 से लेके I12 तक, C1 काफी लंबा नाम है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, काफी लंबा नाम है सर, इस नाम को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। कैसे, फॉर्मूला में जाते हैं, डिफाइन नेम में जाते हैं और इसका नाम मैं मंथ रख देता हूं, समझे जी, इसका नाम जो है इसका नाम मंथ की जगह पे SO रख देता हूं। नाम वही रखेंगे जो आपके ड्रॉप डाउन में है जी, मतलब कि मैं यहां पे अगर मंथ टाइप कर दूं तो ये आपका मंथ वाला आ जाता है, अगर मंथ की जगह पे SO टाइप कर दूं तो आपके पास SO आ जाता है, ठीक है जी सर। हाँ उसके होम सेक्शन में देखिए ना बहुत सारे वीडियो फ्री, हाँ फ्री वीडियो में होंगे, फ्री वीडियो करके होंगे, फ्री स्टडी मटेरियल। समझ गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, एक हद तक सही है कि मैं यहाँ पे मंथ देता हूं तो मंथ बाय जाता है, सेल्स देता हूं तो SO देता हूं तो सेल्स ऑफिसर बाय हो जाता है, लेकिन मैं चेंज तो ऊपर कर रहा हूं ना, मुझे यहां पे चेंज करना है, समझे, बट यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आपने यहां पे दिया B2, आप चाहते हो कि मैं सम के अंदर में इस B2 को सिलेक्ट करूं तो मुझे यहां 71 आना चाहिए, आप समझ रहे हैं, बट सम ऐसा नहीं कहेगा, सम बोलेगा जो आपने N6 लगाया है वही रिजल्ट यहां पे आना चाहिए और वही रिजल्ट यहां आ भी रहा है, वो इस सम या कोई भी फॉर्मूला इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि B2 एक नाम या टेक्स्ट या ABCD नहीं है, B2 एक रेफरेंस है, एक ABCD है, ओके कैसे होगा इसका अनुदत तरीका क्या है, तो इसका अनुदत तरीका ये है कि हमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट फॉर्मूले को बताता है कि B2 इज नॉट ए B2, टेक्स्ट B2 एक रेफरेंस B2 है और उसका एड्रेस लाके दे देता है, समझे, तो इनडायरेक्ट फॉर्मूले का क्या रोल है, समझ में आ गया आप लोगों को जी सर। अब आगे बढ़ते हैं कि इनडायरेक्ट से आगे बढ़ते हैं तो यहां कैसे किया जाए कि यहां भी अगर आप सम के अंदर में इनडायरेक्ट लगाते हैं और इनडायरेक्ट के अंदर में आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो SO का पूरा सम आ जाता है,
लेकिन क्या हम चार्ट में यहां इनडायरेक्ट लगा दें, इनडायरेक्ट, और इसको सेलेक्ट कर लें? ऐसे होना चाहिए ना सर? नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बोलता है कि मैं डायरेक्ट लिंक लूंगा, मैं किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो बोलता है कि खैर तो मुझे कोई रेफरेंस दो या फिर डायरेक्ट नेम मेथड दो या फिर डायरेक्ट लिंक दो, फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट नेम मैनेजर कहता है कि वी कैन एक्सेप्ट द फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे एक अलग से ऐसे डमी एसेट्स के नाम से एक नेम बना देता हूँ, और यहां भी किसी सेल का रेफरेंस ना देके इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, इनडायरेक्ट, और हम यहां इस एसओ को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां देखिए इनडायरेक्ट का यहां पे बोला हुआ है, ये रेफरेंस में यहां पे आ गया ना सर। मैं यहां जो एसओ मैनुअल चेंज करता था, यहां पे हम फिक्स कर देता हूं एसएच को। अब देखिए मैं यहां से चेंज करूंगा मंथ, मैं चेंज करूंगा एसओ, एकदम लुकअप की तरह काम कर रहा है, समझे? जी सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। किसी को डाउट सर? मेरे लिए पहली क्लास है, मुझे अभी इतना नहीं समझ आया। हाँ तो कोई क्लास ज्यादा बड़े आगे नहीं है, बस कॉपी पेस्ट बताया था। कॉपी पेस्ट में एक था पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, उसी के प्रोजेक्ट कर रहा है, इसी के अंदर होता है पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। ठीक है, ठीक है, तो इसी का एक यूज बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। आपके पास एक स्कूल है, ठीक है, एक इसी स्कूल का आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, राइट? और उस स्कूल के प्रोजेक्ट में क्या है कि आपको बोला गया है कि स्टूडेंट का एक वेरिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए, जहां वो नंबर डाले, स्टूडेंट का नंबर डाले और स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आ जाए। समझे? वो तो वीलू कब से कर सकते हैं, लेकिन उसका फोटो कैसे लाएंगे? मान लीजिए मैं एक सीट पे यहां पे फोटो रख देता हूं, और मैं फोटो एक काम करता हूं इंटरनेट से उठा लेता हूं, मैं ये ठीक रहेगा। हम इसको कॉपी कर इमेज करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा फिट कर देते हैं एक सेल के ऊपर, जो सेल है हमारा ना, इस सेल में। ये जरूरी है क्योंकि आपका फोटो पे कोई फॉर्मूला या लुकअप नहीं हो रहा है, वो आप सेल को लुकअप कर रहा है। समझे?
अगले शीट पे क्या कर चाहता हूं मैं कि मैं यहां पे मान लीजिए कि रोल नंबर है, रोल नंबर वन लिखता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा यहां पे वो पिक्चर वन वाली जो इस सीट में वन वाला पिक्चर आ जाए, टू डालो तो टू वाला, थ्री डालो थ्री वाला, फोर डालो फोर वाला, इस तरह से पिक्चर आ जाए। कैसे आएगा? तो यहां पे एक तरीका करना होगा कि आपको सबसे पहले रोल नंबर अगर आप 123 है तो कोई बात नहीं, 123 नहीं जैसे 101, 105 या 5000 कुछ इस तरह का है, तो फिर आपको एक मैच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैच फॉर्मूला क्या करेगा कि इस रोल नंबर को इस कॉलम में, इस कॉलम में ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद उसका रेफरेंस बताएगा कि वो किस नंबर रो में है। सिंपल सा फॉर्मूला है, लुकअप की तरह होता है मैच का, कि हमने C5 को C3 के एक कॉलम में मैच किया, मैच करने के बाद अगर मिलता है तो कौन सा रो नंबर है, और हमारा जो फोटो कहां पड़ा हुआ है, फोटो पड़ा है B में। तो मैं यहां पे करता हूं B के साथ इसको कंफिगर कर देते हैं, B1 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि सीट भी तो है, क्योंकि हम कोई रेफरेंस, जब कोई रेफरेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए रेफरेंस हम लेते हैं, हमने रेफरेंस लिया है, तो रेफरेंस कुछ इस तरह का बनता है, तो मुझे यहां भी कुछ इस तरह का बनाना पड़ेगा ना। तो ये जो सीट थ्री है इसको भी कॉपी कर लेता हूं मैं, और बी वन से पहले इसको डाल देता हूं, सीट थ्री बी वन के साथ हमने बी फाइव कर दिया। अब मैं किसी एक पिक्चर को कॉपी करूंगा, सेल को, नॉट ए पिक्चर, सेल कॉपी, और यहां पे हम करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। तो अब यहां देखिए B1 से लिंक है, अगर मैं यहां पे B2 कर दूंगा तो B2 का पिक्चर आ जाएगा, अगर मैं यहां पे B3 कर दूंगा B3, B4 कर दूंगा B4, लेकिन मैं चाहता हूं कि लिंक इससे हो, इस नंबर से हो। तो कैसे, जैसे मैं यहां पे 2 करता हूं तो यहां पे B2 आ गया, 3 करता हूं 3, 4 करता हूं 4। तो उस केस में हमें सेम फॉर्म तरीका अपनाना होगा कि हम फॉर्मूला बार में जाएंगे, डिफॉल्ट नेम लेंगे, फोटो नाम का एक नेम डिफाइन करते हैं, इसमें हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर में इसको E3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके जगह पे यहां पे हम फोटो दे देते हैं, आ गया। अब मैं यहां पे 1 करता हूं 1 का फोटो, 2 करता हूं 2 का फोटो, 3 करता हूं 3 का फोटो। अगर मान लीजिए कि रोल नंबर 1, 2, 3 में ना हो, जैसे कि 1, 1, 5, 1 हो, चाहे इस तरह से B, F, E, 1 हो, इस तरह की भी तो चीजें हो सकती है ना। क्या सर? जी सर, इस तो चीजों के लिए मैच आपका परफेक्ट वर्क करेगा। समझ में आएगा आप लोगों को? जी। अब यहां पे एक काम प्रॉब्लम आ गया है कि मान लीजिए कि किसी का फोटो ना हो तब क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि मैंने यहां पर लिख दिया 1500, पर 1500 नाम का कोई है ही नहीं, यहां पे फोटो चेंज नहीं हुआ, यहां पे आना चाहिए नो फोटो। कैसे नो फोटो आएगा फिर? तो हमने क्या किया, इंसर्ट में हमारे पास बहुत सारे शेप्स होते हैं, तो मैं एक चकोर शेप जो है ए वाला ले लिया, और इसमें हम ब्लैक ले लेते हैं, और इसमें लिख देते हैं नो। अब आप लोगों का एक काम है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, काफी छोटा कर देता हूं। अब आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसी त्रिग्रम करनी है कि यहां पे अगर कोई नंबर ऐसा लिखा जो ना हो तो नो फोटो वाला फोटो आना चाहिए। ठीक है जी। तो
ये आपको हम फाइल मेल कर देते हैं। ठीक है जी सर। तो मेल आईडी है आप लोगों का, अंकेश जी है, अंकेश जी आपका, हाँ जी सर, उसके बाद मयूरी जी आ गया, बाबर जी आपकी ईमेल आईडी क्या है सर? babaransari.10 ये आ गया। और लक्ष्य जी, आप लोग मुझे मेरा होमवर्क बना के दीजिए, ठीक है सर? क्या करना है समझ में आ गया ना जी सर? नंबर रेंज से बाहर जो भी आएगा वहां पर नो फोटो आना चाहिए, जो 5 नंबर से ज्यादा जो भी होगा। कल मिलते हैं इसी टाइम पे।